आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। बीजेपी विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने विधानसभा में कुत्तों की नसबंदी का मामला उठाया। यशपाल सिंह सिसोदिया का कहना है कि 2015 से 2021 तक कुत्तों की नसबंदी के लिए 17 करोड़ की राशि खर्च कर दी गई, लेकिन आखिरकार वो एनजीओ जिनको ये काम दिया गया था वो कहाँ है और किस तरह से उन्होंने क्या काम किया, इसका उन्हें स्पष्ट जवाब नहीं दिया गया। इसी मुद्दे पर बीजेपी विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया से खास बात की अनादि टीवी संवाददाता अंकुर अद्वर्यू ने। बीजेपी विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने आज सदन में कुत्तों की नसबंदी का मामला उठाया था। सर, क्या पूरा मामला है, कितनी राशि खर्च? मुझे तारांकित प्रश्न के जवाब में राज्य शासन के नगरी प्रशासन विभाग से उत्तर मिला है। मैंने स्पेसिफिक पूछा था इंदौर, उज्जैन, भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर, इन पांच महानगरों में पिछले पांच वर्षों में 2015 से लेकर के प्रश्न दिनांक 2021 तक कुल कितने कुत्तों के पकड़े गए थे, उनके कुत्तों की नसबंदी की गई थी और कितने कालकल्पित हुए हैं, और इन कुत्तों को पकड़ करके नसबंदी कराने का काम किसको दिया गया था? हैदराबाद की दो एनजीओ, देवास की एक एनजीओ और रीवा की एक एनजीओ, ऐसी चार एनजीओ ने मिलकर के मध्य प्रदेश के इन पांचों महानगरों में 2.5 लाख कुत्तों को पकड़ करके उनकी नसबंदी की गई है, और बदले में राज्य सरकार ने इन एनजीओ को 17 करोड़ रुपए की राशि भुगतान की है, और इंदौर जैसे महानगर में कुत्तों के ऑपरेशन बिगड़ने से 326 कुत्ते कालकल्पित हुए हैं, उनकी नसबंदी ऑपरेशन बिगड़ने से वे मौत के घाट उतर गए। क्या जवाब मिला? जवाब ये मिला कि पांचों चारों एनजीओ ने मिलकर के जो कुत्ते पकड़े थे उनकी संख्या 2.5 लाख है, और नसबंदी ऑपरेशन बिगड़ने से इंदौर में 326 कुत्ते कालकल्पित हुए हैं, और 17 करोड़ रुपए की राशि नगर निगम के माध्यम से, नगरी प्रशासन विभाग के माध्यम से एनजीओ को भुगतान किया गया है। आप संतुष्ट हैं? देखिए, मैं तो अभी इस बात को आगे बढ़ाने की कोशिश करूंगा कि ये एनजीओ के कितने लोगों ने आकर के फील्ड में कितने लोगों ने काम किया, उनकी क्या आइडेंटिटी थी, वे कौन से विशेषज्ञ हैं, वे कौन से पारंगत हैं, ये सारी चीजें उद्भूत होती है। मैं अगली बार इसको फिर पूछूंगा। तो क्या मानते हैं इसमें भी कोई फर्जीवाड़ा हुआ? अभी देखिए, सतही तौर पर तो कह सकते हैं कि इतना बड़ा काम, इतने पांच बरस में 2.5 लाख कुत्तों को पकड़ करके नजबंदी कर दिए जाने का काम, फिर मैं कहूंगा कि मैदान में वो एनजीओ दिखे तो सही, स्थानीय जो नगर निगम होते हैं इन पांचों शहरों, उनके किसी जनप्रतिनिधि ने तो आइडेंटिफाई किया होगा ना। इंदौर के एक पार्षद की आपत्ति के कारण से यह मामला मेरे संज्ञान में आया था। उन्होंने लिखा था कि जो एनजीओ के द्वारा कुत्ते पकड़ करके नसबंदी की जा रही है वो कहीं ना कहीं अनियमितता प्रदर्शित करती है, और उसी के कारण से मैंने ये प्रश्न रेज किया था। बिल्कुल, ये थे यशपाल सिंह सिसोदिया जी, इनका इन्होंने सवाल लगाया है कि 2015 से 2021 तक 17 करोड़ रुपए की राशि कुत्तों की नसबंदी पर खर्च कर दी गई। आखिर वो एनजीओ कहां पर हैं, उनका भी तो कुछ अता पता होना चाहिए। वही उसी को लेकर आज उन्होंने तारांकित प्रश्न लगाया था, लेकिन जवाब से वह अभी भी संतुष्ट नहीं है। कैमरामैन गणेश के साथ भोपाल से अनादि टीवी के लिए अंकुर अद्वर्यू।